मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने एवं शुद्धिकरण के लिए विशेष कैंप जिलों में लगाए गए थे, जिसमें बूथ लेवल पर शुद्धिकरण का कार्य किया गया। आगामी 15 सितंबर को फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रथम प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू होगा, जिसमें 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। इसी विषय को लेकर संभाग स्तरीय प्रशिक्षण जिम्मेदार अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर को दिया गया। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली जिसका अर्हता तिथि 1 जनवरी 2016 होंगे, सभी के जो है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम अभी जारी है जिलों में। उसी संदर्भ में आज जो निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी और जो अन्य अधिकारी है, इससे जुड़े हुए नोडल अधिकारी है, उनके साथ आज ये ट्रेनिंग कार्यक्रम रखी गई है। ये मास्टर ट्रेनर के रूप में अपने अपना तहसील में जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर है उनको और जो अन्य लोग हैं उनको आगे जाके ट्रेनिंग देंगे। प्रशिक्षण में संभाग कमिश्नर ने अनुशासन और गंभीरता से इस कार्य को करने निर्देशित करते हुए बेहतर कार्य करने कहा। वहीं नाम जोड़ने से विलोपन करने की प्रक्रिया को पूर्ण जांच के बाद ही पुष्टि होने के बाद किए जाने की जानकारी दी। देखिए, नाम जोड़ना हो या विलोपन किया जाना हो, उसके लिए भी ये कहा गया है कि उसका जांच करना बहुत आवश्यक है। और जांच करने के बाद यदि वो संतुष्ट होता है कि किसी का नाम जोड़ना है या घटाना है, विलुप्त करना है, तभी उसको करना है। जो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा भी सूची बनेगी, लेकिन वो सूची फिर से ईआरओ और एईआरओ के माध्यम से बीएलओ के पास पहुंचेंगे। बीएलओ फिर से घर घर जाके उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के जाँच के उपरांत यदि वो संतुष्ट होते हैं तभी जाके जो है नाम विलुप्त करने का निर्देश दिया गया है। अर्थात यह है कि जो भी काम करेंगे बड़ा गंभीरता से करना है, अनुशासन के साथ करना है और विधि पूर्वक किया जाना है। फोटोयुक्त मतदाता सूची पूर्ण रूप से तैयार करने 1 जनवरी 2016 तक का समय तय है, जिस लिहाज से सभी मास्टर ट्रेनर अपने तहसील स्तरों में प्रशिक्षण के माध्यम इस कार्य को पूरा करेंगे। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर।